अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट टीवी न्यूज़। नाज़रीन, आजकल की सियासत बहुत महज एक मजाक बन चुकी है। किसी की कांपे टांग जाती हैं, कोई स्टेज पर इंटरव्यू के टाइम गिर जाता है तो कोई उल्टी शलवार पहनकर स्टेज पर चला जाता है। तो इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूँ इमरान खान साहब के जलसे में, जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में आ चुके हैं। हम आवाम से क्वेश्चंस करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है सियासत के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इमरान खान साहब का जलसा आज कैसे जज्बात है? सर, जलसा तो आपको पता है कि कैसे जोर शोर से चल रहा है। बाकी खान साहब हमारी जिंद है, हमारी जान है, उनके लिए जान भी हाजिर है। अच्छा, लेकिन जो सोचा था इतना रश नहीं है। सर, रश तो इतना ज़्यादा है, स्टेडियम बड़ा है। आप कह रहे हैं रश नहीं है, स्टेडियम बड़ा है, लेकिन फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, का आवाम ही नहीं आई। आवाम बस आपके सामने आई तो हुई है, इतनी नहीं आई ना, स्टेडियम खाली है। स्टेडियम आप देखें ना, ग्राउंड बड़ा है तो साइडों पे आवाम ज़्यादा है, इस वजह से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं यार, इस वक्त सैलाब जदगान के जो लोग इतने मुतासिर हुए हैं, इमरान खान साहब जो करोड़ों रुपए इस टाइम जलसे में लगा रहे हैं, उनको ये नहीं चाहिए था कि यही करोड़ों रुपए वहाँ इमदाद कर दें? क्या पता जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी उनके फ़ैन हो जाते। सर, खान साहब तो साथ में ये जलसे भी कर रहे हैं, साथ में सैलाब जदगान के पास भी जा रहे हैं। कल भी गए, कोई मीडिया की न्यूज़ नहीं आई। कल भी गए थे, सुबह भी जाएंगे। और वो जौन से शहबाज शरीफ साहब, हमारे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, नहीं वज़ीर आज़म मौजूदा है, ठीक है ना, वो जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, वो फुटबॉल का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप वो देखें ना, आप इन्हें देखते हैं, आप उन्हें, उन्होंने भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, 10 बोरियां फेंक के उन्होंने जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इमरान खान साहब के जो जलसों में लगे हुए हैं, इनको नहीं चाहिए था कि यार ये जलसों की जगह ये इमदाद करते, इसी करोड़ों रुपए की जो ये लागत इस वक्त यहाँ इकबाल स्टेडियम में इन्होंने ये सारे सेटअप पे लगाई है, यही पैसा अगर वहाँ चला जाता तो उनकी ज़िंदगी सवर सकती थी। सर, वो इमरान खान साहब ने अभी ऐलान किया है कि जी वो फिर से टेलीथोन करेंगे, वो कर तो रहे हैं ना काम के, पहले भी उन्होंने 5 अरब इकट्ठा किया। ऐलान तो 2018 में जब वो स्टार्टिंग में जब आए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए थे, उन्होंने अमल कोई नहीं किया। वो सर खान साहब हैं, खान साहब को आप बताएं। साहब हैं मतलब, तो ये चोर चक्की अब किस तरह डिफेंड करेंगे इस बात को कि एक बंदा जिसकी 18,000 रुपया सैलरी है और उसको 30,000 रुपया बिल आ रहा है, कोई बेवा औरत है, उसके घर में एक पंखा और एक बिजली का बल्ब है जो चलता है, तो उसको 11,000 बिल आ रहा है। इस तरह बहुत से मामला जो है आवाम के खराब हो चुके हैं। रिसेंटली आज ही हमारे इलाके में बिल आए हैं, हमारे एक इलाके की जब उसको पता चला कि मेरा 30,000 बिल आ गया, यकीन करके जानी लियाकत सियालवी साहब इस बात की गवाही देंगे कि वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये लम्हा टूटी है, सर ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान पर लोग ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान एक और ईमानदार आदमी है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी ये बताया, जो टैक्स कम्युनिटी थी उन्होंने टैक्स बहुत भरपूर तरीके से दिया और उन टैक्सों से हमने इस आवाम को रिलीफ दिया। और उन्होंने बताया कि जब 103 रुपए का डॉलर था तो हम 150 रुपए लीटर दे रहे थे और वो टैक्स जो थे उससे रिलीफ दे रहे थे आवाम। और ये जो चोरों की हुकूमत आई है, ये 96 रुपये डॉलर की वेरियल तेल लेकर 250 रुपये तक तेल दे रहे हैं। ये बाईस शर्म। तो मैं अपनी आवाम से ये भरपूर तरीके से अपील करूंगा कि वो खान साहब के हाथों को मजबूत करें और ये जो खान साहब निकले हैं हकीकी आज़ादी के लिए, उनका साथ दें। इंशाल्लाह ताला हम इस मुल्क की जो हकीकी आज़ादी है, देखें खान साहब बारहा कह चुके हैं कि जब 1947 में पूरी पार्टीशन हुई तो मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी हम IMF के गुलाम हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं, जिसने रजीम चेंज की, पैसा चलाया इधर और मखसूस लोगों को खरीद कर
हमारे इस गवर्नमेंट को जो अच्छी भली हुकूमत चल रही थी उसको डिरेल किया, गियर चेंज की। मैं इसको भरपूर तरीके से कंडेम करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, न्यूट्रल के बारे में खान साहब का एक अपना विजन है और सारी कौम 22 करोड़ आवाम जानती है कि न्यूट्रल को भी अब न्यूट्रल ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, अब उनको न्यूट्रल ही रहना चाहिए और 22 करोड़ आवाम का जो फैसला है उसको तस्लीम करना चाहिए और इनको जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको अगर आवाम फर्क करती है तो वो न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाब खान। अच्छा गुलाब खान साहब, बताएं इमरान खान साहब के जलसे में आए हैं, कैसे जज्बात हैं आपके? ये हमारे आज से तो नहीं है, हमारे तो तकरीबन 14-15 साल पहले के हैं। तो हम बेसिकली, वैसे भी हम मियाँ वाली के हैं लेकिन यहाँ पे रहायश है तकरीबन 20-22 साल से। तो हम इमरान खान के हलके के हैं, NA95 के, यहाँ पे हमें NA104 के, जहाँ से राजा रियाज लोटा बना था, राजा रियाज का हमने इतना कंपेन किया था कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह कर सकता है। बहरहाल हमने उसको छोड़ दिया, वो लोटा बन गया। सही है। तो इमरान खान साहब अभी आए नहीं है, क्या रश और आपको सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जितना रश है यहाँ पे सिक्योरिटी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तो आपके मुताबिक जो है सिक्योरिटी यहाँ की बेहतरीन है? नहीं, बहुत बेहतरीन है इस दफ़ा। तो जो आज जब हम आए हैं ना, तो हमें एक जगह पे भी एक तो रुकावट नज़र नहीं आई। पुलिस का रवैया और जहाँ जहाँ से भी हम आए हैं पुलिस का रवैया भी अच्छा है और गेट तो एक ज़्यादा ओपन किए हुए। हम लाहौर जलसे में गए थे, वहाँ पर थोड़ा सा मसला बना था, एक तो रश भी बहुत ज़्यादा था और दूसरा सिक्योरिटी का भी मसला था। वो बार बार कभी गेट बंद कर रहे थे, कभी ओपन कर रहे थे, जिससे हमारे कुछ लड़के इंजर्ड भी हो गए थे। बहरहाल यहाँ पे अभी तक तो शुक्र है ये चीज़ नज़र नहीं आई है, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा, ओपोजिशन पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपोजिशन पार्टी तो है नहीं है, मिक्स अचार है उसमें। मैं सबसे पहले तो उनको सपोर्टरों को के लिए परेशान हूँ कि वो अगर वोट देंगे तो किसको देंगे? क्या वो पीपल पार्टी को देंगे या मौलाना डीजल को देंगे या शहबाज शरीफ को देंगे या असफंद यार वली को देंगे या और जो छोटे मोटे हैं? मैं तो उनके सपोर्टर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि यार वो किसको वोट देंगे? क्या वो PDM को वोट देंगे या अपने पार्टी को वोट देंगे? अब आप ये देख लो कि जो आज से 40 साल तक हमारे ऊपर हुक्मरान रहे हैं वो आज एक दूसरे के दिफा में खड़े हो गए हैं, जो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने केस किए हुए हैं, एक दूसरे को इन्होंने लाहौर के सड़कों पे घसीटना था, वो एक दूसरे के दिफा में खड़े हो गए हैं। अच्छा, न्यूट्रल लोग कुछ मौजूद हैं जो अभी तक फैसला नहीं कर सके कि वो अपोजिशन में जाएं या PTI में आए, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में अभी तक जो अगर कोई न्यूट्रल है जो ये सोच रहा है ना, तो वो फिर मफाद है उसका, और तो कोई चीज़ मेरे ख्याल में रह नहीं गई है। अभी तो न्यूट्रल होना ही नहीं पड़ेगा, अपने मफाद के लिए अगर कोई रुका है तो रुका है, बाकी इस टाइम तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा न्यूट्रल रहे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये भाई मौलाना साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो इनसे पूछते हैं। जी बताएं। मौलाना साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप जो हैं 40 लाख की लस्सी पिए, आपका काम सियासत करना नहीं है, आपका जो फोर्स है, जो आपने फोर्स बनाया हुआ है, हम इंशाल्लाह पूरे जो PTI टाइगर्स हैं हम सारे फोर्स हैं, जो आपका जो डंडा बरदार फोर्स आपने बनाया हुआ है, इंशाल्लाह हमारे टाइगर जो हैं 100 इनके लिए काफ़ी हैं। अच्छा, डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तारी हो गई थी, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब उनकी किस तरह से मदद करेंगे, कहां तक मदद करेंगे? देखिए, इमरान खान ने 1995 में पार्टी बनाई है, 2300 तकरीबन हम इमरान खान के साथ था। मैं इमरान खान जो अबाई हल्का है मियाँ वाली, हम वहां से हैं, हम आज से नहीं उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान के लिए बहुत मुसीबतें आई हैं। तो जो शहबाज गिल के बारे में आप कह रहे हैं वो अमेरिका से आए, हालांकि उनके फैमिली ने मना किया था कि जो पाकिस्तान के हालात है वहाँ पे जो है गुटा गर्दियों की हुकूमत चलती है तो आप वहाँ ना जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए आया है, इमरान खान के लिए आया है। तो वो एक तरीख रकम करेगा और इंशाल्लाह तरीख रकम हो गई है, वो बंदा डरने वाला नहीं है, उसके साथ जितनी भी ज्यादा, इमरान खान अकेला नहीं उसके साथ खड़ा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं।
जुल्म के खिलाफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हम कभी भी जुल्म का निज़ाम नहीं चलाने देंगे इंशाल्लाह। हम जितना ये जुल्म हुआ है हम उसके खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाल्लाह जैसी इमरान खान की हुकूमत आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह इन लोगों से जिन्होंने लोगों ने ज्यादती की है लोगों के साथ उनका इनको अजाला करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह एक एक बंदे के साथ इन्होंने ज्यादती किया, हम किसी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान का यही विजन है कि वो इन चोरों को, इन जालिमों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है जिन्होंने ज्यादती की है उनको कोई एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ? देखिए पहले बात और होती थी, अब आपको पता है इनकी जो हुकूमत है वो एक मेयर जितनी रह गई है। इस्लामाबाद में 10 से 12 किलोमीटर है, आपको पता है सब लोग भाग गए हैं। राणा सनोला को 1-2 महीने हो गए वो फैसलाबाद में नहीं है, वो अपने घर नहीं आ सकता। जिन जो लाहौर में थे सबको इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए, उसके अलावा सब बाहर चले गए हैं। इनको पता है, यही इनको पता है कि इमरान खान हमें नहीं छोड़ेगा। और अब आवाम में शऊर आ गया है, आपके सामने है जो सरगोधा में परसों जलसा हुआ है या गुजरात में हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा जलसा था सरगोधे का, उसने सब जलसों की रिकॉर्ड तोड़ी। क्यों? अब आवाम में शऊर आ गया है, अब वो इन चोरों के साथ नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने सबसे पहले सब सारे गंद को इकट्ठा कर लिया और आवाम में शऊर आ गया। और इंशाल्लाह परवेज इलाही जो CM पंजाब है उसने भी हमारे साथ लाहौर में वादा किया था कि मैं सबका एक एक से बदला लूंगा, जो जो लोगों के साथ हमारा एक कारकुन था लाहौर का उसको इन्होंने पुल से गिराया था, इंशाल्लाह हम सबका बदला लेंगे। बिल्कुल, थैंक यू।